हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, नदी तंत्र या अपवाह तंत्र। आज हम लोग अध्ययन करेंगे नदी तंत्र या अपवाह तंत्र क्या होता है, ड्रेनिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से इसकी क्या प्रणाली है और कैसे ये कार्य करता है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं और अध्ययन करते हैं ड्रेनिंग सिस्टम। ड्रेनिंग सिस्टम किस रूप में कार्य करता है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र से नदी तंत्र की व्याख्या करता है, जिसमें अलग अलग दिशाओं में से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर अलग अलग दिशाओं में से छोटी छोटी धाराएँ आती हैं और वो मुख्य नदी में सहायक नदी होती है। तो इस तरह से इस रूप में कह सकते हैं कि नदी तंत्र जो होता है उसमें विविध प्रकार की धाराएं आती हैं जो मुख्य धारा में मिल जाती हैं। तो इस तरह से एक जाल तंत्र का निर्माण होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है वीडियो में कि कैसे कई धाराएं आकर के एक मुख्य नदी धारा में मिल जाती है। तो इस तरह से नदी तंत्र जो होता है अपने क्षेत्र के कई जल धाराओं को समाहित किए हुए आगे प्रवाहित होती है और इस तरह से एक नदी तंत्र का निर्माण होता है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अध्ययन करेंगे भारत में अपवाह तंत्र या नदी तंत्र के कितने वर्ग हैं, कितने वर्गों में रखा गया है। हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, ये दो रूप हैं, यानी भारत में अपवाह तंत्र को दो वर्गों में बांटा गया है या दो वर्गों में रखा गया है। फर्स्ट है हिमालय अपवाह तंत्र और सेकेंड है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र को तीन वर्गों में रखा गया है, जिसके अंतर्गत सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र हैं। अर्थात हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उनके तीन ग्रुप हैं, तीन तंत्र हैं और तीन तंत्र के अंतर्गत फर्स्ट आपका है सिंधु अपवाह तंत्र, सेकेंड है गंगा अपवाह तंत्र और थर्ड है ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। इस तरह से तीन मुख्य अपवाह तंत्र हैं जो हिमालय से निकलने वाली नदियों के रूप में बने हैं। हिमालय से जो निकलने वाले अपवाह तंत्र या हिमालय के जो अपवाह तंत्र हैं वो तीन वर्गों में रखे गए हैं, सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। इस तरह से हिमालय के अपवाह तंत्र हैं और इसी के साथ साथ दूसरा जो अपवाह तंत्र है वो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। मुख्य रूप से आप इस रूप में समझेंगे कि भारत में अपवाह तंत्र जो नदी तंत्र है, नदी प्रणाली है, इसको दो वर्गों में रखा गया है, फर्स्ट में हिमालय अपवाह तंत्र और सेकेंड में प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। और हिमालय के अपवाह तंत्र के अंतर्गत भी तीन वर्ग डिवाइड किए गए हैं। तो हिमालय के अंतर्गत तीन वर्ग हैं, जिसके अंतर्गत सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र है। और प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत की जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं। और इस रूप में प्रायद्वीपीय क्षेत्र को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। तो अलग विषय वस्तु केवल इतना हम लोग समझेंगे कि अपवाह तंत्र दो हैं मुख्य रूप से, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिमालय अपवाह तंत्र, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है वीडियो में, कि अपवाह तंत्र या नदी तंत्र जो हिमालय की है उसको तीन वर्गों में रखा गया है। फर्स्ट है सिंधु नदी तंत्र और सेकेंड है गंगा नदी तंत्र और थर्ड है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इस तरह से तीन तंत्र हैं अपवाह तंत्र के और ये हिमालय के मुख्य तंत्र हैं। तो जिस तरह से हिमालय का तंत्र हो गए तीन और अगला क्या है प्रायद्वीपीय तंत्र। अगर कभी कभी एग्जाम में इस रूप में भी क्वेश्चन आता है कि अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप इस तरह से चार भी बता सकते हैं कि तीन हिमालय के हो गए और एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र का हो गया। इस तरह से संपूर्ण अपवाह तंत्र को चार वर्गों में रखा गया है, जिसके अंतर्गत आपका हिमालय अपवाह तंत्र है और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। तो तीन हिमालय के अंतर्गत आ जाते हैं और एक जो है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आ जाता है। इस तरह से अपवाह तंत्र के ये उल्लेख किया गया है इसमें। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अपवाह तंत्र के क्रम में आगे बढ़ते हैं और सिंधु नदी तंत्र के विषय में अध्ययन करते हैं। सिंधु नदी तंत्र हिमालय से निकलने वाली नदियों का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। यह न केवल भारत की बल्कि विश्व की एक सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, जिसमें इसका जो क्षेत्र है वो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, भारत में है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। यह भारत में 1,114 किलोमीटर तक बहती है और इसका शेष भाग पाकिस्तान में है।
इसका उद्गम तिब्बत चीन में कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील के नज़दीक सिंगी खिबियान ग्लेशियर से हुआ है। लद्दाख श्रेणी को काटती हुई यह नदी जम्मू कश्मीर में गिलगित के पास एक गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर आती है। यही दाहिनी ओर से काबुल नदी सिंध में आकर मिलती है। खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोवा और संगर सिंध नदी के दाहिने किनारे पर मिलने वाली अन्य सहायक नदियां हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरह से सिंध नदी के सहायक नदियों के संदर्भ में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। सिंधु नदी में झेलम नदी है, जैसा कि मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है। यह भी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और इसकी यह लंबाई 725 किलोमीटर है। कभी कभी मानचित्र में झेलम को भी दर्शाने के लिए आता है। इस तरह से इसकी सहायक नदियों में झेलम है, चिनाव है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है और इन नदियों को आप दर्शा सकते हैं मानचित्र में। बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि झेलम नदी को दर्शाना है, रावी नदी को दर्शाना है, चिनाव नदी को दर्शाना है, ब्यास या सतलज नदी को दर्शाना है। तो ये सभी जो है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं और मानचित्र के आधार पर आप इन्हें दर्शा सकते हैं। तो सिंधु नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन किए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए मुख्य जो सिंधु नदी तंत्र है इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि सबसे मोटी वाली लाइन जो निकली हुई है तिब्बत से लेकर के टर्न की है सिंधु नदी और आगे टर्न करते हुए अरब सागर में जाके मिलती है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में दर्शाने के लिए आता है और इस तरह से आप इसे दर्शाएंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग गंगा नदी तंत्र पर अध्ययन करेंगे। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। भारत में सबसे बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। गंगा नदी दो देशों से होकर प्रवाहित होती हैं, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में दो नदियों की संयुक्त धाराओं से मिलने से होता है। ये दो धाराएं हैं भागीरथी और अलकनंदा। यहाँ पे इस चीज़ को लर्न रखने की बात है कि गंगा नदी जो है दो धाराओं से होकर के आगे बढ़ती है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। भागीरथी नदी उत्तराखंड में यानी उत्तराखंड में उत्तरकाशी ज़िले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को याद रखना है आपको। उत्तरकाशी में ज़िले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी जो है सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा नदी जो अलकनंदा नदी का निर्माण दो नदियों के संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है, धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी। तो इस तरह से गंगा नदी के संदर्भ में आपने अध्ययन किया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकल कर मैदान में प्रवेश करती हैं। तो आपसे कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहाँ पर प्रवेश करती हैं। तो हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकल करके मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। तो इस चीज़ को लर्न रखेंगे। डियर स्टूडेंट, इस तरह से गंगा नदी उत्तराखंड से निकल करके और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। तो उद्गम स्थल जो स्टेट है आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। आगे हम लोग इसी क्रम में अध्ययन करेंगे गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ मुख्य रूप से यमुना नदी है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, टोस है और सोन नदियाँ हैं। ये नदियाँ दाहिने तट पर आकर मिलती हैं। इसको भी लर्न रखेंगे आप कि दाहिने तट पर मिलने वाली नदियों के क्या नाम हैं। यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोस और सोन नदियाँ। गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली जो नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं, जिसमें चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, टोंस है और सोन नदी है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अध्ययन करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी तंत्र का भाग है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत से होता है। मानसरोवर झील के पास चेमायुंग दुंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इस नदी का अधिकांश भाग चीन में प्रवाहित होता है। चीन में इसका नाम यालंग सांगपो इसका नाम है। चीन में इसका क्या नाम है, यालंग सांगपो। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नमचा बरवा नामक पहाड़ी चोटी के कारण इसको यूटर्न या घूमकर आना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में इस दिहांग नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसको लर्न रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या नाम जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से। दिबांग और लेहिद नदी इसकी सहायक नदियाँ अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं। यहीं पर मांजुली द्वीप बनाता है।
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे चलकर ये नदी असम में प्रवेश करती है और इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर हैं। सुबनगिरी नदी असम में इसकी मिलती है। मानस नदी भी इसमें असम से ही मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग राज्य के नाम अलग अलग हैं। चीन में इसे यालंग सांगपुट जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दियांग के नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग राज्य में, अलग अलग एरिया में किन किन नामों से जाना जाता है। तो इस तरह से आपने अध्ययन किया, चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? यालंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बीच में अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो जैसा कि मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदी है, तो माही है, नर्मदा है और तापी है। इस तरह से मुख्य दो नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी को हम लोग अध्ययन करेंगे। इसको भी मानचित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, ये मुख्य नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस तरह से प्रायद्वीपी भारत की नदियाँ हैं और इसके विषय में हम लोग अध्ययन किए। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग एक बात और अध्ययन करेंगे कि जो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं, ये ज्वारनद मुख का निर्माण कर रही हैं और जो बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिर रही है, ये डेल्टा का निर्माण कर रही थी। इस तरह से इस चीज़ को, अंतर को समझते रहेंगे कि अरब सागर में जो नर्मदा और तापी नदी है, ये किस चीज़ का निर्माण कर रही है? ज्वारनद मुख का निर्माण कर रही है, एस्चुरी का निर्माण कर रही है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। जैसा कि डेल्टा की आप जानते हैं कि नदी तंत्र जो समुद्र में मिलने के पहले उसके मुहाने पर अपने लाए गए जल राशि को, मिट्टी, मलबा, सभी चीज़ों को बिखेर देती है और एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है, इसी को डेल्टा कहते हैं। तीसरा से बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली जो नदियां हैं, ये किस चीज़ का निर्माण कर रही हैं? डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। और अरब सागर में मिलने वाली नदी एस्चुरी का निर्माण कर रही हैं। तीसरा से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के संदर्भ में आपने अध्ययन किया। बोर्ड एग्ज़ाम में मानचित्र में दर्शाने के लिए भी आता है, जिसमें नर्मदा और तापी नदी किस रूप में है, कहाँ पर दर्शाना है। दोनों मानचित्र में आपको दिख रहा है, नर्मदा और तापी नदी जो अरब सागर में गिर रही हैं, और इसी तरह से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, इनको भी आपको मानचित्र में दर्शाना है। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में फिर से प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।